हे दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं जो अपना इग्निशन स्विच है, जो अपनी चाबी है, तो वो स्विच सही है या ख़राब हो गया है। तो ये हम लोग देखेंगे स्विच को कैसे चेक करें और इसमें जो ये वायर्स होती हैं इन वायरों का क्या क्या काम है, किसमें कब सप्लाई आती है, और अगर हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो क्या स्विच की प्रॉब्लम की वजह से है या कोई अदर प्रॉब्लम है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इग्निशन स्विच पे। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इग्निशन स्विच पे चार चीज़ें लिखी होती हैं। पहला है लॉक, एसेसरीज, ऑन और स्टार्ट। तो लॉक मतलब यहाँ पर बंद हो जाएगा, एसेसरीज यानी कि आपका क्लस्टर मीटर ऑन नहीं हुआ है बट कोई एसेसरीज आप जो है यहाँ से चला सकते हैं, जैसे म्यूजिक वगैरह हम लोग बिना क्लस्टर के भी चला लेते हैं जो एसेसरीज से कनेक्ट है। दूसरा आता है ऑन। ऑन में क्या होता है, हम लोगों के गाड़ी का क्लस्टर मीटर जो है वो ऑन हो जाता है और दूसरा वाला पॉइंट वो ऑन कहलाता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्टार्ट, यानी कि जब हम चाबी को घुमा करके स्टार्ट पर ले जाएंगे तो हमारी गाड़ी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक पॉइंट पर हमें एक एक करके घुमाना होता है और अपन का वैसे काम करता रहता है। तो जो सबसे बड़ा अभी यहाँ पर आप तार देख रहे हैं, इसमें अपनों को जो दिखाई देगा लाल वाला तार अपना यहाँ आता है और यह है इग्निशन की मेन सप्लाई। तो रेड कलर के वायर की मेन सप्लाई है इग्निशन की। यहाँ आप लोग पूरा खोल करके डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो बाकी के तीन आप लोग देख रहे हैं वो एसेसरीज है। एसेसरीज के बाद अगला है अपना स्टार्ट वाला, जिसमें क्लस्टर ऑन होता है, और तीसरा जो है वो है स्टार्ट वाला यानी कि क्रैंक वाला। तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे और इस मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे कि जहाँ पर हम लोग जिस पोजीशन पे लगाएंगे तो चाबी के साथ इसमें सेम करना चाहिए। तो दो तरीके हैं आपको चेक करने के, एक मल्टीमीटर में आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, दूसरा वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले अपना मल्टीमीटर को लगाइए और चेक कर लीजिए, आपको बीप का साउंड मिलना चाहिए। अगर आपको साउंड मिला मल्टीमीटर ठीक है। अब हम लोग पहले इनिशियल पोजिशन लगाएंगे जो है एसेसरीज वाली। पहले अपन का नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सप्लाई आ रही है। तो सप्लाई चेक करने के लिए एक चेचिस पर ग्राउंड लगाएंगे और अपना वोल्टेज जो है अपन देखेंगे चाबी के पास से। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जब आप इसमें चाबी एसेसरीज पे लगाएंगे तो यहाँ जो हरा वाला जो तार था ये पहला मेन सप्लाई है। इसके बाद जो हरा वाला जो लेफ्ट में आपको तार दिख रहा है, इस वाले पर जब हम अपना चाबी की पोजीशन एसेसरीज पे डालने के बाद मल्टीमीटर को लगाएंगे तो आपको जो है वो बीप का साउंड यानी कि कंटिन्यूटी वाला साउंड मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी वाला साउंड मिल रहा है इसका मतलब आपका ये सही है। बाकी जो दो दो पोजीशन बची उसमें अपना लाल वाला वायर है जिसपे धारी जैसी दिखाई देगी आपको, तो वो अपना क्लस्टर मीटर की है जो अभी राइट में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला ये क्लस्टर मीटर का। अब जो ये लास्ट में दिखा आपको लेफ्ट के साइड में, ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ये है अपना स्टार्ट, यानी कि जब स्टार्ट करने पर चाबी पर लाएंगे और आप यहाँ क्लिक करेंगे तब आपको ये साउंड मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन स्विच का देख सकते हैं कि इंटरनली कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ है, इंटरनली वो पूरा पूरा काम कर रहा है या नहीं।